एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल लो बन हेयर स्टाइल, जो कि आप साड़ी के साथ, गाउन ड्रेस के साथ बहुत ही बेस्ट रहेगा और साड़ी के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा हेयर स्टाइल। तो मैंने अभी हेयर वॉश किया है, तो मैं थोड़ा सा सीरम अप्लाई करूँगी। ये सीरम है स्ट्रिक्स का सीरम है और इससे बाल काफ़ी अच्छे सॉफ्ट रहते हैं। थोड़ा सा मैंने इतना सा लिया है और फिर बालों को अच्छे से इसको लगा ले रही हूँ ताकि हेयर स्टाइल करने में हमको दिक्कत ना हो। इससे बाल बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते, बहुत अच्छे से शाइनिंग और मैनेजेबल रहते हैं। आप चाहो तो ले सकते हो इसको। और हाँ, मुझे कमेंट आई थी कि मैम क्या पाउडर में केमिकल यूज केमिकल होते हैं जो कि स्किन को डैमेज करते हैं। संदीप कुमार जी का ये कमेंट है। तो संदीप कुमार जी, केमिकल होते हैं पाउडर में, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पाउडर यूज करते हो आपकी स्किन पे ब्लैक पैचेस आने लग जाते हैं। तो आप पाउडर को, मतलब जो भी आप फेस पाउडर यूज करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए, बहुत कम यूज कीजिए। जब ज़्यादा ज़रूरी हो तभी यूज कीजिए। और जब भी आप मेकअप करते हो, फेस पाउडर वगैरह यूज करते हो, कॉम्पैक्ट पाउडर, सूखा पाउडर यूज करते हो, उसके बाद से आपको फेस पे मसाज क्रीम लगाना बहुत ही जरूरी है। या फिर कोई सीरम रखते हो तो फेस को वॉश करने के बाद से सीरम अप्लाई ज़रूर कीजिए। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा पाउडर यूज करती थी, मेरे यहाँ पे ब्लैक तिल टाइप का हो गया था। तो पाउडर कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए, केमिकल्स तो होते ही हैं पाउडर में। अब पता नहीं केमिकल है कि नहीं, लेकिन पाउडर यूज करने का साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि वो स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देता है और छाई वगैरह की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो कम मात्रा में यूज, ऐसा नहीं है कि आप यूज ही मत कीजिए, यूज कीजिए, लेकिन जैसे ही आपका काम खत्म हो जाए, आपका पार्टी वगैरह निकल जाए, आप फेस को अच्छे से वॉश कीजिए और मॉइस्चराइजर यूज कर लीजिए। तो चलिए हेयर स्टाइल की बात करते हैं। तो हेयर स्टाइल मैं आज बीच सेंटर पार्टिंग से करने वाली हूँ, बीच की मांग निकाल के। और बहुत ही इजीली आप ये हेयर स्टाइल बना लोगे शादी में, पार्टी में। शादियों का सीजन चल रहा है तो आप ये हेयर स्टाइल बहुत आसानी से बना सकते हो और बहुत प्यारा लगेगा ये हेयर स्टाइल। अगर आपको मांगटीका लगाना है तो आप पहले मांगटीका ऐड कर दो, उसके बाद से आप हेयर स्टाइल शुरू कीजिएगा। तो इस तरीके से मैं ईयर टू ईयर पार्टिंग कर ले रही हूँ बालों की। ओके, अभी जहाँ से आपको हेयर स्टाइल बनाना है तरीके से ट्विस्टिंग वाला हेयर स्टाइल है। मैं आज ज़्यादा पफ नहीं बना रही हूँ, ट्विस्टिंग करके हल्का हल्का बाल को खींचना है और यहाँ पे क्लिप से इसको अटैच कर देना हूँ। इस तरीके से बहुत प्यारा लगेगा ये हेयर स्टाइल। लाइन वाइज जो आपने ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाली है तो लाइन वाइज कीजिएगा यहाँ पर। इससे क्लिप के साथ साथ भी सेट करते जाइए। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। आज ज़्यादा आजकल ज़्यादा पफ वाला हेयर स्टाइल नहीं चल रहा है, तो आप ये सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, न्यू हेयर स्टाइल है एकदम।
इतनी ब्यूटीफुल लो बन हेयर स्टाइल। कितना बनाने के बाद से आपको फ्रंट के हेयर स्टाइल में ट्विस्टिंग करनी है। तो ये हमारा फ्रंट का कुछ इस तरीके का लुक आएगा। मेरे हेयर बहुत छोटे हैं यहाँ के, जिसकी वजह से ये निकल जा रहे हैं। इसके बाद आपको सारे बालों को बैक साइड में लेके जाना होगा और एक पूरी बना लेनी है। लो बाल हेयर स्टाइल है ये। गजरा अटैच कर सकते हो क्योंकि शादी पार्टी के लिए आप बना रहे हो, तो मैं गजरा लगा के दिखा देती हूँ। इस तरीके से गजरा बना रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियो सबसे पहले देखेंगे। फ्रंट का ये लुक है एंड बैक का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ये सपोर्ट करते रहिए। टीका लगा के दिखा देती हूँ कैसा लुक। टीका लगा देते तो जिस तरीके का लुक आएगा।